प्यारे विद्यार्थियों, नौवीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी क्लास को सबको स्वागत। बच्चों, पिछले वीडियो में हम जेल में मेरे मित्र विषय का कुछ अंश पढ़े थे। आज हम उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। लेखक जवाहरलाल नेहरू लखनऊ जेल में रहते समय उनके साथी गिलहरियों के खोए हुए तीन बच्चों को पाल रखे थे। इसके बाद क्या हुआ हम पढ़ेंगे। एक दिन मैंने कुछ शोर सुना। हाय, ये गिलहरी के नन्हे नन्हे बच्चे कहीं मर ही न जाएं। मैं उधर गया तो देखा कुछ कैदी खड़े अरे अरे हाय हाय कर रहे थे। मैंने उन बच्चों को देखा तो निश्चित हो गया वे जीवित थे। मैंने कहा, तुम सब इन बच्चों को घेरे खड़े हो, इनकी माँ इन्हें लेने कैसे आ सकती है? चलो हम बरामदे में बैठकर देखते हैं। मैंने कैदियों को बताया कि मैं रोज इन गिलहरियों को देखता हूँ। कई बार इनके बच्चे वृक्ष की टहनी से नीचे गिर जाते हैं। इनकी माताएं फुर्ती से नीचे आती हैं, बड़े ध्यान से इन्हें गेंद की तरह गोल गोल कर मुंह में दबा लेती हैं और फिर पेड़ पर ले जाती हैं। संध्या का समय था, धीरे धीरे रात होने लगी, परंतु माँ गिलहरी न आई। मैं चिंतित हो उठा, कुछ तो करना होगा। कैदी उन बच्चों को उठाकर मेरी कोठरी में ले आए। पांडे जी आते ही बोले, ये बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, न तो ये पत्ते चबा सकते हैं और न ही इन्हें रोटी का चूरा कर खिलाया जा सकता है, कैसे जीवित रखा जाएगा इन्हें? दूसरे ने सुझाव दिया कि इन्हें बोतल से दूध पिलाया जाए, पर कैसे, जेल में बोतल कहाँ? फिर वे इतने छोटे थे कि बोतल से तो दूध पी न सकते थे। उनका पालन पोषण करना कठिन समय बन गई थी। सब सोच में पड़े थे कि मेरी दृष्टि पेन में स्याही भरने वाली नली पर पड़ी। मैंने नली को उठाया और सबको दिखाते हुए कहा, इसे बनाते हैं बोतल। फिर शुरू हुआ नली से दूध पिलाने का प्रयास, पर नली से दूध की बूंद कभी बच्चों की नाक पर गिरती है और कभी जमीन पर, कभी बच्चे मुंह ही न खोल पाते और कभी हम नली को स्थिर न रख पाते। सब परेशान थे कि जल्दी ही दूध न पिलाया गया तो ये बेचारी मर जाएंगे। जेलर रामप्रसाद जी भी यह सब देख रहे थे। उनके मन में कोई विचार कौंधा और वे भागते हुए वहां से चले गए। क्षण भर में हाथ में रुई लिए आए, नली में दूध डाला, उस पर रुई लपेटी। रुई दूध से गीली हो गई और गिलहरी का नन्हा बच्चा रुई चूसने लगा। चूस चूस कर बच्चे ने नली का पूरा दूध पी लिया। इसी तरह बाकी दोनों बच्चों को भी दूध पिलाया गया। हम सब इतने प्रसन्न थे मानो विश्व जीत लिया हो। अब ये तीनों बच्चे हमारे जेल परिवार के चहेते सदस्य थे। अल्मोड़ा की जेल को छोड़कर जितनी जेलों में मैं गया, वे सब कबूतरों से भरी रहती थी। जेलों में हजारों कबूतर रहते थे और शाम को आकाश उनसे ढक सा जाता था। कहीं कहीं मैना भी रहती थी। देहरादून जेल की मेरी कोठरी में मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। मैं उन दोनों को खिलाया पिलाया करता था। वे इतने पालतू हो गए थे कि यदि सुबह या शाम उन्हें खाना मिलने में जरा सी देर हो जाती तो ये चुपचाप मेरे पास बैठ जाते, जोर से चिल्लाकर अपना भोजन मांगने लगते थे। उनकी क्रियाएं और चिल्लाहट सुनकर बड़ा आनंद आता।
बच्चों इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, इसका अर्थ देखेंगे।